1987 में नोकिया ने अपना पहला पोर्टेबल फोन लॉन्च किया जिसका नाम था मोबीरा सिटीमैन। 1994 में नोकिया ने 2110 लॉन्च किया जिसके नोकिया को 2 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर मिले। 2003 से 2005 तक नोकिया का गोल्डन पीरियड था जब मार्केट में हर 10 में से 7 फोन नोकिया के थे। और फिर 2007 में मोबाइल फोन मार्केट में एंट्री की स्टीव जॉब्स ने एप्पल के साथ, जो कि वर्ल्ड का पहला फुली टच फोन था। इसके साथ ही गूगल ने भी मार्केट में अपना एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया। इनके कॉम्पिटिशन में नोकिया ने अपना पहला टच स्क्रीन फोन NS800 लॉन्च किया। नोकिया के फोन का हार्डवेयर तो ठीक था लेकिन सॉफ्टवेयर काफी स्लो था, इसलिए लोग एंड्रॉइड और iOS की तरफ शिफ्ट होने लगे। इसके बाद नोकिया ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम था मीगो OS और ये काफी अच्छा था। लेकिन फिर नोकिया को ज्वाइन किया स्टीफन इलोप ने और उन्होंने नोकिया फोन्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने का डिसीजन लिया। इसके बाद नोकिया ने लूमिया सीरीज लॉन्च की जिसे लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स था। 2013 आते आते नोकिया $4 बिलियन के लॉस में था और आखिर में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को $7 बिलियन में एक्वायर कर लिया।